लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे वारंग कौन है? वारंग साहब, मैं वारंग। मैंने बोर्ड देखा है। बोर्ड कब आया था? मालूम नहीं। मतलब तू कोस्ट गार्ड है, तेरे को मालूम नहीं बोर्ड कब आया था? अरे साहब, जैसा बोर्ड देखा आपको फोन किया। अपना ड्यूटी बराबर किया मैं मैडम। मतलब बोर्ड का नाम कब आया, कौन लेकर आया, उसका रजिस्ट्री क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं मतलब नाम वाम का। इस शहर की आधी से ज्यादा सिक्योरिटी तो समंदर किनारे रखी है, फिर भी ये ड्यूटी नहीं, लापरवाही हुई है। रोहित, ये
ये इधर। सर ये तो HMX मिलिट्री ग्रेड, RDX से ज्यादा पावरफुल है ये। सर ये लगभग कितना स्मगल हुआ होगा? कंपार्टमेंट का साइज देख लो, 25 से 30 किलो भी हुए तो 1500 लोग कम से कम। कॉल सर। जी जी सर, मुझे पता है मगर हाँ सर, मैं इस वक्त ATS चीफ के साथ ही बैठी हूँ। जी आप मुझे बताइए IB से इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? मैडम ओके, मैं वेट कर रही हूँ, आप बताइए मुझे। ओके थैंक यू मैम, मैं चलता हूँ। दीवान जरा रुको, IB से इन्फॉर्मेशन आती होगी एनी मिनट। मिनट 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है और हमें पता नहीं, एक दिन, पांच दिन, दस दिन, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है और आपको एक मिनट चाहिए। मैं समझ सकती हूँ दीवान, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। होम मिनिस्टर मैम, आप अपना प्रोसीजर फॉलो कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी। सर मंगेश तावड़े, नार्कोटिक्स। हाँ बोलो। सर ये रौनक आपका बेटा है? हाँ सर, हमने ब्लू मून होटल में रेड मारी, रेव पार्टी चल रही थी, काफी ड्रग्स भी सीज की, बहुत सारे यंगस्टर्स को हमने राउंड अप किया सर, उनमें से आपका बेटा रौनक भी था। क्या करें सर? यू फॉलो योर प्रोसीजर सर, सबको ड्रग टेस्ट के लिए भेज दो। Obviously, सबको। ओके सर। ये रावतिया। वो सर। ये दोगानी पन घेऊन जा, लवकर। हो। चला रे, उठा। रौनक, सिद्धू, रौनक कहीं वेट कर रही थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ पार्टी पे गया है ना आशीष के साथ, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है कब से। उठाएगा भी नहीं, पुलिस रेड में पकड़ा गया, रेव पार्टी थी। व्हाट? तुम्हें किसे पता चला? पुलिस स्टेशन से फोन आया था। ओह माय गॉड, तुमने संभाल लिया ना सिद्धू? हाँ ब्लड टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं उसे। तुमने रोका क्यों नहीं? उसे घर ले आते, हम समझाते उसे। तुम्हें पता था वो ड्रग्स ले रहा है? नहीं, वो ड्रग्स कैसे ले सकता है, वो हमारा बेटा है, वो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। अगर मिस्टेक है तो वो घर आ जाएगा। ये नाम है। और कुछ मिला तेरे को? नहीं सर। सर 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 उसको दे। जी ये तीनों प्रोफाइल्स चाहिए मुझे। यस मैम। ओके हाँ ज़ूम करो सर। दीवान सर फाइल लेके आ रहे हैं, बी रेडी। यस सर। फाइल से ढूंढ के निकलो। कम ऑन गाइस फास्ट। Thank you.
पंजे में तू तो फंसा है, बचने का कोई नहीं रास्ता है। तू बेखबर है ये तुझको बता दूं, मुझसे यहाँ पे ना कोई बचा है। ना देखेगा कल की सुबह, मांग ले तू आखिरी दुआ। वार्निंग नहीं दूंगा। वार्निंग नहीं दूंगा। देख बेटा बज गया सायरन, आया है टाइफून, ये बात कर दो वायरल। 2.5 किलो पंच या गोली फ्रॉम माय राइफल, जो भी चाहे बोल, तेरा सेटलमेंट आज फाइनल। जो कह रहा हूँ वार्निंग समझ ले, चांस ये जो दे रहा हूँ वार्निंग समझ ले। एक तरफ लाइफ तेरी, दूसरी तरफ मेरा ट्रिगर। अब शुरुआत तेरी करना है जो कर ले। कोर्ट में मेरे तारीख नहीं मिलती, क्रिमिनल को माला केस क्लोज कम हुई गिनती। यही मेरा स्टाइल और कुछ ना कहूंगा, अब रेडी रहियो बेटा। शेर के पंजे में तू तो फंसा है, बचने का कोई नहीं रास्ता है। तू बेखबर है ये तुझको बता दूं, मुझसे यहाँ पे ना कोई बचा है। ना देखेगा कल की सुबह, मांग ले तू आखिरी दुआ। जान ले लूंगा बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा। क्या रिपोर्ट है सर? एक्सीडेंट विक्टिम। वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग इमीडिएटली। नर्स, स्टिचेस रेडी करो, कुड बी अ मैसिव कंकशन। इसके साथ फैमिली है? नो सर, कुछ लोग सड़क पर से उठाकर लाए थे इसे। इसके वॉलेट में से आईडी निकालो और पेपर वर्क शुरू करो। न वॉलेट है न फोन। अपना नाम बता सकते हो? हम किसी को फोन करके बुला सकते हैं? कैन यू हियर मी? सीटी स्कैन बुक करो। यस डॉक्टर। ये क्या है? नर्स, सीजर्स होल्ड। व्हाट द हेल? जेन सर, मिस्टर दीवान, आप लोग सिचुएशन जानते हो, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ इन्फॉर्मेशन है दीवान, फोन पे बात नहीं हो सकती। मैम शिंदे। हाँ बोलो। मैम, होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक सुसाइड बॉम्बर मिला है, उसका एक्सीडेंट हुआ है मैम। व्हाट? यस मैम, अभी तो वो बेहोश है, हॉस्पिटल का विंग खाली करवा दिया है। ओके, मैं कॉन्वॉय भेज रही हूँ। ओके मैम। तुम उससे इमीडिएटली ऑपरेशंस बेस लेकर जाओ। यस, हम आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो पिछले 2 महीने से फारूक अली नाम के एक आदमी को ट्रैक कर रही है, और हमें शक है कि वो एक स्लीपर एजेंट है। क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे तुम आज दे रहे हो? Aren't we supposed to be a team? सर, एक सुसाइड बॉम्बर मिला है। होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है,
और लोकल पुलिस कह रही है कि उसके सीने पे बॉम्ब है। रोहित सर, तुम फारूक अली को ट्रेस करो। आईबी हैज द इंफॉर्मेशन। सर करो साहब, प्लीज साहब। फोटो है सबके पास? Yes, sir. कॉम्स चेक, आवाज आ रही है? Sir. चला चला डिस्पर्स। ताई 32 नंबर कुटे? 30 नंबर। क्या भाई? कौन चाहिए? यही अपना फारूक। हाँ ऊपर ही रहता है, अभी बाहर गया है। तुम कौन? मैं उसका दोस्त रियाज। कब तक आएगा? मेरे को क्या मालूम रे, नाश्ता बस्ता करने क्या होगा बाहर। अच्छा चलो आता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फारूक का घर मिल गया, टेक योर पोजीशंस। चलो फारूक बाहर गया, उसके लिए रुकना पड़ेगा।
क्या लग रहा है? थोड़ा टाइम दीजिए सर, ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं। सर, नो आईडी सर, ना फोन ना वॉलेट ना फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड। प्रोफेशनल है, एक काम करो, जहां एक्सीडेंट हुआ वहां जाओ, जेब खाली है, पास ही से आया होगा, पैदल। सो ये फारूक। हाँ बोल। तेरे को मिलने आया था कोई? कौन? क्या मालूम रे? अरे नाम हम कुछ तो पूछ लिया होता, कैसा पड़ोसी यार तू? तेरा ठेका लेके रखा हूँ क्या? ए फारूक, रियाज नाम था उसका, रियाज। रियाज? गाय तोंडे, फारूक आ गया। मरून टी शर्ट, शोल्डर पे बैग। कुछ भी हो जाए, डू नॉट शूट। उसको अंदर जाने दे, अंदर पकड़ेंगे। वापस नीचे क्यों आ रहा है? सर उसने शायद मुझे देख लिया है। Shit, move in, move in, move in. Hey! Hey, look! Hey, look! Hey, look, sir! Hey, look! Hey, look! Hey, look! चाहे जो कुछ करना है कर लो साहब, बंदे की सलामती अल्लाह के हाथ में है। जान चली जाए, जुबान नहीं खुलेगी। जुबान नहीं, अब तेरी खोल के रखेंगे। लेके जा इसको। चुप। बॉम्ब स्क्वाड लेके जाए इसको। सर, फारूक का पूरा घर छान ले। जा इमीडिएटली। सर। अरीश, ये निकलेगा या नहीं? सर ये छाती के अंदर तक लगा हुआ है, ये यहाँ एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, ये डायरेक्टली हार्ट बीट से कनेक्टेड है, और हार्ट के अंदर जो करंट होता है वो यहाँ इस ट्रिगर को बैलेंस कर रहा है। एक लाइन में बता क्या है ये? इसकी धड़कन बॉम्ब की बैटरी, धड़कन रुकी बॉम्ब फटा, ये मरा तो फटा, बॉम्ब अगर निकाले तो फटा। इट्स अ डेड मैन स्विच। लेकिन एक्सीडेंट से भी नहीं फटा? क्योंकि HMS गिरने और जलने से नहीं फटता, इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ती है। फारूक को अरेस्ट कर लिया है, सेफ हाउस भिजवा रहा हूं अभी। और एक और बात सर, उसके बैग से भी एक बॉम्ब मिला है। ठीक है, एक बॉम्ब और मिला है। क्या? इसे नार्को टेस्ट के लिए तैयार करो। सॉरी सर, इसका कंडीशन बहुत सीरियस है सर, कंकशन बहुत मैसिव है, एक्सीडेंट की वजह से शायद इसे कुछ भी याद नहीं। इट कुड बी टेम्पररी, लेकिन नार्को टेस्ट से इसकी जान भी जा सकती है। He's right, sir. ठीक है, इसे 10 मिनट में होश में लाओ, मुझे इससे सवाल करने हैं। ओके सर। हाँ तो आज की कहानी मेरे इन नन्हे फरिश्तों के नाम। हुआ यूं कि नन्हे से एक साहबजादे अपने रिजवान जैसे कुरान पाक के आयात अपने मन में रमा करते हुए अपने ही ख्यालों में डूबे चले जा रहे थे कि एकाएक उन्हें एहसास हुआ कि चलते चलते काफी दूर निकल आए हैं, एक घने स्याह जंगल के बीचों बीच जहां सिर्फ अंधेरा है। उसके चेहरे पे खौफ तारी हो गया, मारे डर की उसकी आंखों में आंसू भराए, और जैसे ही आंसू का कतरा टपकने वाला था कि बड़ा सा हाथ उसके सामने आया, सुनहरे रंग का चकमगाता हुआ हाथ, और जैसे ही बच्चे ने नजरें ऊपर की कि एक बड़े कद का ये चौड़े सीने वाला एक जिन खड़ा है। अपनी लरसती हुई आवाज में उसने कहा, आइए मेरे आका, हम आपको एक ऐसे बागीचे में लिए चलते हैं जहां टॉफियों के फूल हैं,
शहद की बारिश है, दूध की नदियां हैं और गुब्बारों के बादल हैं। क्या तुम ऐसे बागीचे में जाना चाहोगे? आपको पता है ऐसा बागीचा कहाँ है? और जन्नत तक पहुंचने का रास्ता तहरीर अल हिंद का रास्ता। तो इसके मुतल्लिक आज की तकरीर रिजवान की जुबानी। रिजवान, बोलो मेरे बच्चे, बड़े होकर क्या बनोगे? मुजाहिद। तहरीर अल हिंद के लिए क्या करोगे? हम तहरीर अल हिंद के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन हमारी मिजामी पर अगर आज आई तो हम जिहाद अपनाएंगे। हमारे और जन्नत के रास्ते के बीच कोई नहीं आ सकता। नारा तकबीर अल्लाह अकबर। नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तहरीर अल हिंद के सिपाहियों बोलो, मकसद मजहब के लिए काफिरों की जान लोगे? इंशाल्लाह। अपनी जान की कुर्बानी दोगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाईजान, मुंबई में एक मसला हो चुका है, आले हजरत आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुंबई पुलिस आगाह हो चुकी है, सुबह 9 बजे तक सब खत्म हो जाना चाहिए था। बस एक छोटा सा मसला आन पड़ा है जनाब, मेरे मुंबई पहुंचते ही आज के आज कामिल हो जाएगा। होना पड़ेगा मकसूद, अमेरिकनों के साथ हमारा सौदा दाव पे है। सौदा और तहरीर अल हिंद दोनों मुकम्मल होंगे जनाब, बस आप जैसे हैं वैसे ही इत्मीनान से रहें। हमारे सब्र को इत्मीनान समझने की गलती मत करो मकसूद। याद रहे, आईआरपी ने तुम्हें मुंबई के नाले से उठाकर तहरीर अल हिंद का पैमाना दिखाया है, और नाकामयाब होने पर वही नाले में फेंके जाओगे। याद है जनाब, बहुत अच्छे से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईआरपी को सीरिया जीतने में मेरी अहमियत। याद है ना? नसर मिलाने से तकलीफ हो रही है? साहब मैं हूं कहां? जानते हो तुम्हारे सीने पे क्या है? वही तो मैं कब से पूछ रहा हूं साहब, ये क्या है, किसने लगा है? तू एक सुसाइड बॉम्बर है। सुसाइड? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं। तेरे जैसे और कितने सुसाइड बॉम्बर्स हैं? कौन से बॉम्ब साहब? और कितने बॉम्बर्स हैं साहब? आप बॉम्ब बॉम्ब बोले जा रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, और कितने बॉम्बर्स हैं?
कुछ दिखा तुम्हें? कुछ यादें आई तुम्हें? क्या था? पता नहीं सर, बस बार बार वही चीज। क्या दिखता है? आग। आग तूने लगाई है? पता नहीं सर, बस यही दिख रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं साहब। तेरी वजह से? पता नहीं सर। कहाँ हो रहा है ये? तुझे पता नहीं सर, बस बार बार यही आवाज बोले जा रही है कि। आवाज क्या कह रही है? कि भाग भाग तू भाग। हनीफ नाम है तेरा? मेरा नाम हनीफ है शायद। रीडिंग्स प्लीज। मैम पॉलीग्राफ रीडिंग तो मैच हो रही है। व्हाट? लड़का तो सच बोल रहा है। सर फारूक के घर में तो एक छोटी सी बच्ची मिली है। क्या? अच्छा एक काम कर, उसे भी ऑपरेशन बेस ले जा, मेरे को इन्फॉर्मेशन देते रहना। ओके सर। शिंदे फारूक के बैग पे एक ब्रांड का लेबल होगा, उसका फोटो खींच और इमीडिएटली भेज मेरे को। वेलकम टू एडवेंचर बैंक, हिंदी के लिए एक दबाएं। साहब आप दो घंटे से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, पर मैं आपको सच कह रहा हूं मुझे कुछ भी याद नहीं। ये फारूक अली कौन है? पता नहीं सर। सर फटा हुआ है और ये मशीन भी कह रही है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उसे धोखा देने। कैसी ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? कौन सा बॉम्ब? आई डोंट थिंक आई कुड डू समथिंग लाइक दिस। व्हाट डू यू मीन बाय यू कुड नेवर डू समथिंग लाइक दिस? आई डोंट नो, मेरी इंस्टिंक्ट्स शायद। दिस इज इंस्टिंक्ट। This is training. वो भी कई सालों की। अब कुछ याद आया? जो जैसा था मैंने आपको बता दिया। अब आपके हिसाब से मैं वैसे भी मरने ही वाला था ना, तो फिर आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। मरने से डर नहीं लगता? दीवान, may I please see you? दीवान, now. May I have the room, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शहर से बाहर ले जाकर खत्म करो इसे। मैम आप देख रही थी, मैं उसके दिमाग में घुस रहा था। He's gonna break. हमारे पास वक्त कहाँ है दीवान? वो एक लाइव बॉम्ब है और इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। उस फारूक को भी तो पकड़ा है ना तुमने, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाओ। कम से कम उसके सीने पर बॉम्ब तो नहीं। ठीक है मैम, लेकिन इसे मैं लेकर जाऊंगा। दीवान तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दीवान ATS. भाई साहब ये बैग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, KB 302, इसका फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ गया था, किधर डिलीवरी हुआ, कौन लेके आया सब।
चल चल। हाँ सर, चार अलग अलग बैग का ऑर्डर था सर, स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, लंच बैग। ये आदमी आया था? नहीं सर, डिलीवरी के लिए ये नहीं आया था, हमारा लड़का गया था। ए छोटू, डिलीवरी देने तू गया था ना? हाँ, यहाँ तो 5-6 बार जा चुका हूँ मैं। सर, चार अलग अलग बैग का ऑर्डर था, 6 अलग अलग टाइम पे। चार अलग अलग 6 बार, मतलब 24 बैग। रिसीव दो। जी। नहीं मैडम, इसको देखा है? नहीं, इसको नहीं देखा। भैया, देखा है क्या इसको? जी नहीं मैडम। सर, फारूक का बैग। मोबाइल है तो रिमोटली डिटोनेट हो सकता है। एक काम करो, इसे बॉम्ब डिस्पोजल वैन में रखवा दो और वैन को ऑपरेशंस बेस से दूर ले जाओ। सर, यहाँ खतरा हो सकता है, आराम से। क्या सर? संभल के। सब हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ याद आया तुम्हें? सब हम जा कहाँ रहे हैं? याद करने की कोशिश करो। सामने पहले आप मुझे बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। To shoot you! अनीव, कौन पुकार रहा है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है साहब? कोशिश कर करके थक गया। हालत देखो मेरी साहब। यह हालत देखकर मैं क्या करूं? मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या है। मुझे और कुछ याद नहीं है साहब, मैंने पूरी कोशिश कर ली, बस अब और नहीं होगा। हाँ रोहित, रोहित ये एरिया बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ मिलता है तो बताती हूँ। ओके मैडम, दीवान साहब उसको सॉल्ट पेंस ले गए, मंजे कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन घर ढूंढना पड़ेगा। मूव। जी। सर, मंगेश तावड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपके बेटे की रिपोर्ट आ गई है सर, टेस्ट पॉजिटिव आया है। तुम्हारे पास है? यस सर। फोन देना उसे। लो बात करो। I'm sorry, Dad. रौनक, देखो बेटा, जो पुलिस कह रही है ना वही करना। डैड, अजर मैंने गलती से किया। Just this one last time, please. Help me, please. वही तो कर रहा हूं ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डैड बेटा है? हाँ, तुमसे बस कुछ साल ही छोटा। मुसीबत में है? आप संभाल लोगे साहब। ये एड्रेस किधर है? अच्छा, चल।
यही है शिंदे। क्लियर। लोड। डिलीवरी एड्रेस धारावी के एक बंद कारखाना है। लगता है कि पूरा वेयरहाउस खाली करवाया गया है और यहाँ पर भी HMX के ट्रेसेस मिले हैं। टारगेट इज मूविंग सर। इस एड्रेस पर 24 बैग्स की डिलीवरी हुई थी। नीड टू टेक द शॉट। हाँ सर। हमें उस लड़के का घर मिल गया है। यहाँ पे काफी कुछ मिला है। ये ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक उसका बॉम्बिंग सिग्नल भेज रहा है। 24 और बॉम्ब के साथ कनेक्ट हो रहा है। They all are wirelessly connected. अगर वो मरा तो उसके साथ 24 और बॉम्ब फट सकते हैं। What? Sir, Hanif is the trigger. Taking the shot.
क्या बोला तू पुलिस को? बोल क्या बोला तू पुलिस को? तूने पुलिस को क्या बताया? इसके हाथ आगे बांधो। सुबह का भटका अपनी तालीम तो नहीं भूला, सुबह का भटका अपनी तालीम तो नहीं भूला। तो मुझे जानता है, बस अपने आप को खो बैठा है। पर तो फिकर ना कर मेरे बच्चे, अब तो घर आ गया है। हाँ, मेरे लगता जिगर, मेरा बच्चा। बस ठीक है बच्चे, तो अपने घर आ गया है। बस बस पहले फारूक कहां से आया रे? बोलना रे फारूक, किधर से आया है, किसके साथ काम कर रहा है, कौन है तेरा लीडर, बोलना। बंद कर दिया। अच्छा अब बोल। अब तो बोलेगा? रू भी उखाड़ लो साहब, मुंह से चीख के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। बोलना रे फारूक, बोलना। अरे बहुत दर्द होगा रे तेरे को, बता बोलना। अच्छा चल ये बता, तेरे को मालूम है इस उंगली में अंगूठी काय को पहनते मालूम है तेरे को? क्योंकि इस उंगली की नस दिल तक जाती है। तू अगर नहीं बोलेगा ना तो बॉम का जो बैग है वो हैदराबाद जाएगा। माँ बाप रहते हैं ना तेरे हैदराबाद? हाँ बताता हूँ साहब। हाँ चल बोल 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 बोल। मेरी बेटी है ना आपके पास? हाँ। उसे भी वहां ले चलो हैदराबाद में, सब इकट्ठे जन्नत जाएंगे।
नो 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 अरुणा, दिस इज नॉट डन। आप लोगों ने मुझसे बात किए बिना इतना बड़ा एक्शन लिया ही क्यों? सर वो एक लाइव बॉम्ब है। दिस वॉज दी ओनली डिसीजन। ओनली डिसीजन? टेररिस्ट की एक फौज लाइव बॉम्ब लेकर मुंबई शहर में खुलेआम घूम रही है, तुम और दीवान उन्हें रोक नहीं पाए। सर अटैक्स अचानक हुए, वो लोग शायद उस लड़के को ट्रैक कर रहे थे। या फिर तुम्हारे डिपार्टमेंट में उनका कोई आदमी है? सर आई ट्रस्ट दी एटीएस, लेकिन अगर है तो दीवान उसे ढूंढ निकालेगा। ही बेटर। रोहित, यहां सबके सेलफोन टैप करो, इंक्लूडिंग माइन। सर, और सर ये फारूक को तोड़ तोड़ के थक गया, लगता है वो कुछ नहीं बोलेगा। उसका बाप ही बोलेगा। नार्को टेस्ट के लिए उसे तैयार करो। सो वी फाइनली गॉट अ ब्रेक थ्रू। जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके फेस मैचेस आ गए हैं। सब अलग अलग नेशनैलिटीज से है, उज़्बेकी, ईरानियन, चाइनीज। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीर अल हिंद। रॉ ने ये फोटोज भेजे हैं। नाम है मकसूद अल मुखसिल। IRP के फंडिंग से ये एक नए ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने जा रहा है। लीडर नहीं, गुंडा है साला। कई साल पहले मुंबई में ये पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के लिए जमीनें हड़पता था। इसकी कहीं और कोई साइटिंग हुई है? यस सर, रॉ के मुताबिक पिछले 4 महीने में 2 बार साइटिंग हुई है, रसल कैमा एंड पोखरा नेपाल। मतलब अब ये मुंबई में है। तुम्हारा मनपसंद आप ये सब? इत्मीनान से रहो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे सवालों में मिलेंगे। कौन है तू? कौन है तू? हनीफ। किसने बताया तुझे? पुलिस ने? मुझे याद है। कैसे? तुझे तो कुछ याद नहीं? सब कुछ नहीं, बस बार बार वो आवाज। आवाज? किसकी आवाज? हनीफ! किसकी आवाज? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। तुझे सब पता है तो कुछ भूल नहीं सकता। जन्नतुल फिरदौस की ख्वाहिश तुझे तेरा फर्ज भूलने नहीं देगी। याद कर, किसकी आवाज है वो? किसकी आवाज? कौन है वो? कौन है तू? मैं सिवरी चौधरी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे तक। हेलो हेलो हेलो।
तू ऐसा कर, ये रीडायल के बटन दबाता रहे, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा अबू? तू दबा रहा, मैं आ रहा बेटा, तू फोन करता रहा, मैं आता हूँ। हेलीप, भाग बेटा तू यहाँ से, तुम लोग भागो यहाँ से, भागो, फोन जोड़ भाग, फोन जोड़ भाग यहाँ से, भाग यहाँ से हेलीप, भाग। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक एक घर जला दो, खाली कर दो सब कुछ। आधे घंटे तक कोई नहीं आया, पुलिस और अपराधी सब एक हैं। वो तेरी शुरुआत थी, कर ये सब तेरा ही बनाया हुआ प्लान था। जब तू मेरे पास आया था सुबह का भटका अपनी तालीम तो नहीं भूला? जिस मकसद से तुझे भेजा था वो कायम हुआ? सारे स्लीपर सेल्स के बॉम्ब्स मैं बनाऊंगा, सब वायरलेसली कनेक्टेड होंगे और उन सब का ट्रिगर सिर्फ एक, मैं। तो हिंदुस्तान में हमारे 24 स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में 24 धमाके एक साथ। नहीं, जैसे ही ये बॉम्ब मेरे सीने से अलग हुआ 10 सेकंड में 24 नहीं 25 धमाके। हिंदुस्तान की रूह कांप उठेगी, क्योंकि अब तेरी बारी। जीरो काटा खेलना आता है? अरे वाह, तुम तो जीत गई, वेरी गुड। और एक गेम? मेरे पापा का। तुम अगर अगली तो गेम जीत गई ना, तो हम उनको बुला लेंगे, ठीक है? बुलाए लाए लल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, लाए लाए लल्ला मोहम्मद रसूलल्लाह। तेरा नाम क्या है? फारूक। फारूक, तेरा पूरा नाम क्या है? फारूक अली खान। फारूक अली खान कहाँ काम करता है? एसी रिपेयरिंग, एक क्लास सर्विस एक क्लास सर्विस टूर। तेरे हैंडलर का नाम क्या है? क्या हुआ फारूक? उसका नाम बताना मना है। किसका नाम लेना मना है? रफीक भाई का। रफीक भाई का? रफीक भाई का पूरा नाम क्या है? रफीक मोहम्मद गानी। एक काम करते हैं, कुछ और खेलते हैं। ये गेम बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन होगा, उसका जवाब मैं दूंगी और फिर तुम दोगे, ओके? जैसे ये बैग मुझे मेरी काला ने दिया है, और ये पापा को उनके दोस्त ने दिया था। वेरी गुड, ये बैग मेरी खाला ने मुझे पिछले साल दिया था घर पे। ये बैग पापा को उनके दोस्त ने कल मेले के बाजू में दिया। वेरी गुड, ये मेरी खाला है। फारूक,
फारूक, तेरा टारगेट क्या है? अब तक बताया नहीं। तेरे जैसे और कितने बॉम्बर्स हैं? पता नहीं। रफीक रहता कहाँ है? किसी को नहीं पता। काम कहाँ करता है? ग्रांट रोड कारखाना, ग्रांट रोड कारखाना, कारखाना। हेलो बेटा, संभल गया दीवान साहब? ये वाला नंबर देखो ना सर, तो संभाल लीजिए, ऐसे ही रौनक हनीफ बन जाते हैं। याद आ गया तुझे? या कभी भूला ही नहीं था? भूल तो आप गए हो दीवान साहब, इसलिए सोचा याद करवा दूं। क्या 24 बॉम्ब जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं? बस अब मेरा एक सवाल, उस रात आपने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या शिवड़ी चाल 2002 आपने फोन क्यों नहीं उठाया? डॉक्टर साहब, मिस्टर दीवान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। दोनों ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। तू ऐसा कर, ये रीडायल के बटन दबाता रहा, ठीक है? कोई आए नहीं आए, दीवान साहब बेटा जरूर आएंगे, ठीक है? तू दबाता रहा, मैं आता हूँ अभी। आधे घंटे तक कोई नहीं आया, सब खत्म हो गया और आपने फोन भी नहीं उठाया। उस वक्त फोन मेरे पास नहीं था। पता है, पता है, क्योंकि जहां आपका घर आबाद हो रहा था वहां हमारे जल रहे थे और आपकी पुलिस उसी आग में हाथ सेकती रही। तेरी लड़ाई मुझसे है, आकर मुझसे लड़, मासूमों से बदला क्यों ले रहा है? मासूम तो मेरे अब्बू भी थे, पुलिस के लिए आपके लिए इन्फॉर्म करते थे और आपने उन्हीं का घर जलने दिया। लेकिन अब सिस्टम जलेगा। 30 साल से मैं सिस्टम और तुझ जैसों से बैठ रहा हूं और आज भी खड़ा हूं। तो फिर आज मैं आपको घुटने टेकना सिखा दूंगा। अल्लाह हाफिज। सर, सिग्नल हर जगह से बाउंस हो रहा है, पता नहीं फोन कहां से आया। बॉम्ब एक्टिवेट हुआ है, मतलब हनीफ अपने बॉम्ब का सिग्नल टेस्ट कर रहा है। जी सर। मोहित, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पकड़ो, क्विक। यस सर। Thank you.
द सिग्नल. लॉक इट, लॉक इट, लॉक. Now we are safe. सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं. सबको उनकी ट्रेन टिकट भी भेज दी गई है सिवाय इसके 18 नंबर स्लीपर सेल. इसका बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हो रहा. फारूक अली पुलिस की गिरफ्त में है. हो सकता है पुलिस ने इसका बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया हो. प्लान की इंफॉर्मेशन? नहीं कुछ नहीं होगा. इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसका हैंडलर रफीक वो काफी कुछ जानता है. अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो आप फिक्र ना करें मैं संभाल लूंगा. तो फिर आज रात 12 बजे 24 ट्रेनों के धमाके के साथ हिंदुस्तान एक नए हकीकत से वाकिफ होगा इंशाल्लाह. काश काश कि हम एक आखिरी बार बाजमात नमाज अदा कर पाते. अब मैं जन्नत उल फिरदौस में अदा करूंगा. नसर मिन अल्लाह व फतहुन करीब. जा मेरे बच्चे फी अमान अल्लाह. या हरीश फारूक का बॉम्ब हमने डिफ्यूज कर दिया है और हनीफ के बॉम्ब का सिग्नल भी पकड़ लिया सर. बस हनीफ का ऑपरेशन बेस में रहना बहुत जरूरी है. वहीं से हम उसका सिग्नल को जैम कर सकते हैं सर. अब हम सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर सकते हैं. ओके हरीश वेल डन. सलाम. रफीक आप कौन मियां? बशीर भाईजान ने भेजा है. बशीर भाई ने भेजा है? बात कराओ मेरी बशीर भाई से. वक्त नहीं हमारे पास. फारूक अली को पुलिस ने पकड़ लिया है. हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा. फारूक को पुलिस ने पकड़ लिया? बैग है. पकड़ो उसे. पता नहीं बस हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा. ये रखो ये लो. शिट हनीफ. रफीक
मैग्नम टूर्स और ट्रेवल्स, ये तो रफी खाने की टिकट्स है, रत्नागिरी से मुंबई। मैग्नम मैग्नम टूर्स और ट्रेवल्स, ये नाम तेरे को मालूम है ना? हाँ, वो सॉल्पेन में जो गाड़ी मिली थी टेरेस की, वो इसी नाम पे रजिस्टर्ड थी। ये सब सर को दे, देख के आता हूँ मैं। ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करो और डेटाबेस में जितने नाम और एड्रेस है उसे क्रॉस चेक करो। यस मैम। अली, हार्ड ड्राइव देखो क्या है इसमें। अब देर मैग्नम सलाम। वालेकुम सलाम। अपने को नॉर्थ इंडिया का कोई अच्छा सा पैकेट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। ये लीजिए। अल्लाह हाफिज़। बोलो बशीर। भाईजान, अगर ट्रांसफर हो गया है तो आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पुलिस की चेकिंग बढ़ती जा रही है। पैसे तो आ गए, वो जरूरी था, लेकिन बशीर मियां, अपनी तंजीम का आगाज तो हो जाने दो, तहरीर अल हिंद का परचम तो लहराने दो। वैसे भी इस शहर की एक आदत है, बम पड़ते हैं, लोग मरते हैं, टीवी पर डिबेट्स होते हैं, दो चार कैंडल मार्च होते हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ढीली पड़ जाती है, सब अपने अपने रास्ते, फिर इत्मीनान से निकलेंगे, क्योंकि इस शहर की फितरत में है सब चलता है। टफी के बैग से एक हार्ड ड्राइव मिला है, हर जगह से एक नाम सामने आ रहा है, मैग्नम कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड एड्रेस एक छोटी सी ट्रेवल एजेंसी, ओवरसीज बैंक अकाउंट्स करोड़ों में और ऑफिस स्पेस मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट। सर, ये मैप देखिए, मुंबई में कोई जगह है लेकिन बहुत पुरानी है, 1935 का मैप है, लेकिन रोडवेज रेलवेज एग्जैक्टली क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये या सर, मैं दुकान के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, मुश्किल से 5 लोगों के खड़े होने की जगह है दुकान के अंदर, लेकिन अभी अभी मेरे सामने से 10-12 लोग निकले हैं। सर, आई एम श्योर इस दुकान के पीछे कोई तो रास्ता होगा। पीछे नहीं, नीचे।
अली गुड टू गो कॉपी वेटिंग ऑन योर ऑर्डर सर आर वी सेफ टू गो वन सेकंड सर दुकान के कैमराज हैक हो चुके हैं सर क्लियर टू गो कॉपी मूव मूव जगह पुलिस है ये गाड़ियों की एंट्री की तरफ से रेड हो रही है और ये दुकान वाली एंट्री क्लियर है मेरे ख्याल में उधर से निकलना चाहिए तो फिर सब छोड़िए भाईजान और अभी के भी निकलते हैं चलो फोन चेक करो नेटवर्क नहीं है इन्होंने तो पूरा का पूरा नेटवर्क जाम कर दिया आप इत्मीनान रखें मैं कुछ करता हूं
अल्लाह। पीछे नहीं तो गोली चल जाएगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह। पीछे हट, गोली लग जाएगी तुझे। मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों को पीछे लो। मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों को पीछे लो। सुना था आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, आज देख भी लिया। खुशकिस्मत हैं आप मिस्टर एस एस दीवान, क्योंकि मकसूद अल मुगसल सिपसालार तहरीर अल हिंद के दीवदार आम इंसानों को नसीब नहीं होते। दल्ला है, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के रहम पर पड़ने वाला दल्ला। तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया के इस कारोबार में हर एक चीज बिकती है दीवान साहब। दीन बिकता है, ईमान बिकता है, हर रिश्ता हर पेशे का इंसान बिकता है, देश बिकता है, देशभक्ति बिकती है, मुल्क बिकता है, मुल्क का बादशाह उसका सियासतदान बिकता है। खालिस बिजनेस है ये। बड़े बड़े अस्पताल और मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बीमारियों का डर और मौत का खौफ ही तो बेचती हैं। वो सफेद कोट पहन के करते हैं, हम मजहब का लाभा दौड़ के करते हैं। है तो सिर्फ और सिर्फ धंधा। वही धंधा मैं बंद करने आया हूं। कोई फायदा नहीं, 12 बजे तक सब खत्म। कैसे हनीफ जेल में सर रहा है? दीवान ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम, गिरफ्तार। उसे तो आपके पास ला रहे थे। किसके इंस्ट्रक्शन पर? सर उन्होंने कहा आपका इंस्ट्रक्शन है।
आपके लिए। अब्बू के लिए। कुछ ही समय पहले मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सूत्रों के अनुसार करीब 20 से 25 लोग मारे गए हैं। इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है और इस आतंक की वजह क्या है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब हमें एटीएस से नहीं मिले हैं। हम सब यहां एटीएस चीफ एसएस दीवान के स्टेटमेंट के इंतजार में है। सर, आपको बुला रहे हैं। सर, 10 नंबर की बोगी में धमाके हुए थे। आगे वाला कंपार्टमेंट तो खाली था, लेकिन वहां पर और पीछे लगेज वाली बोगी दोनों में काफी डैमेज हुआ है। कितने लोग थे? सर, रेलवे मैनिफेस्ट के हिसाब से तो 24 लोग थे और फिलहाल तो 23 बॉडीज रिकवर हुई है। सर, सर ये देखिए, ये बॉम्ब बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें फारूक के बैग में मिला था और ब्लास्ट के असर को देख के लगता है कि 4 से 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए होंगे। सर, तकरीबन 19 से 20 जले हुए बॉम्ब्स के पार्ट्स भी मिले हैं। लगता है ये सब एक साथ एक ही बोगी में थे। सर, कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि एक लेडी ऑफिसर ने आगे की बोगीज खाली की थी। हम पता कर रहे हैं सर कि वो लेडी ऑफिसर कौन है। हुस्ना। हनीफ कहाँ है? सर, उसे तो आपके पास ला रहे थे। तुम्हारे डिपार्टमेंट में उनका कोई आदमी है? दीवान साहब उसको सॉल्ट पैंस ले गए, मंजे कहानी खत्म। बशीर भाईजान, उसको सॉल्ट पैन लेकर जा रहे हैं। अगर वो मरा तो उसके साथ 24 और बॉम्ब फट सकते हैं। सर, डोंट शूट, हनीफ इज द ट्रिगर। बोल। माफी चाहता हूँ साहब, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए ईमानदारों को अंधेरे में रखना पड़ता है। माफी से कुछ नहीं बदलेगा, जो तूने किया गलत किया। पर अगर आप करते तो सब सही हो जाता ना? देखिए दीवान साहब, ना मैं आप जैसा रक्षक हूं ना उन जैसा आतंकवादी, तो
दोनों के बीच का फर्क हूं मैं। मकसूद को मुंबई लाना और उसके हाइड आउट का पता आपको देना वो जरूरी था। जो कुछ भी किया सोच समझ के किया, पर मैं आपको सच कह रहा हूं मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मुझे जानता है, बस अपने आप को खो बैठा है। रफीक हमें अभी क्या भी निकलना पड़ेगा। मैग्नम टूर्स और ट्रैवल्स ड्राइव, सारी ट्रेन टिकट भी भेज दी गई और उन सबका ट्रिगर सिर्फ एक, मैं। ये सब क्यों? उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उसने मेरे अब्बू को मारा, सारे घर जला दिए। ये सब बदले के लिए? 10 साल के थे हम, उस उम्र में बदले के सिवा और सोचते भी क्या। आधी जिंदगी बीत गई मकसूद के पीछे पीछे भागते, और जब वो मिला तो समझ आया कि एक मामूली सा गुंडा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन चुका था। मकसूद को मारने से जरूरी था उसकी सोच को खत्म करना, उसके स्लीपर सेल्स को खत्म करना। वो तुम्हारा हक नहीं था। हक है, हम सबका हक है। सब सोचते इन जैसे लोगों को एक साथ इकट्ठा उड़ा देना चाहिए, बस मैंने कर दिया। उस बोगी में सारे स्लीपर सेल्स ही तो थे, कोई बेगुनाह नहीं था। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, आपसे कुछ कम उम्मीद भी नहीं है। अब आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मैं अपनी। अल्लाह हाफिज। सबका है ये फिजूल नहीं।